अंग्रेजी में कहते हैं कि नेवर ट्रस्ट ऑन योर हार्ट बिकॉज इट इज़ नॉट ऑन द राइट साइड। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हार्ट राइट साइड पे नहीं होता तो कहाँ पर होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। मैं हूँ डॉक्टर आसिम और आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर। और हम बात कर रहे हैं जनाब सर्कुलेटरी सिस्टम की, हम बात कर चुके हैं ब्लड की, हम बात कर चुके हैं ब्लड वेसल्स की, और अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट की जिसका हम नाम रखते हैं हार्ट। और हार्ट आपको पता है हमारी बॉडी के जो तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, उनमें से एक है हार्ट, ब्रेन और लंग्स। ये तीन ऐसे हमारे ऑर्गन हैं जिनके बगैर हम चंद सेकंड्स या मिनट्स के लिए भी सर्वाइव नहीं कर सकते। जब हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही मार्वलस मशीन है, इसलिए मैंने इस ह्यूमन हार्ट के लेक्चर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज के इस पहले लेक्चर में मैं आपसे बात करने जाऊँगा ह्यूमन हार्ट की बेसिक्स की, उसके स्ट्रक्चर की, और हम देखेंगे कि उसके अंदर ब्लड जो है वो किस तरह से फ्लो करता है। और जो उसका दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी कार्डिक साइकिल की, और कार्डिक साइकिल की बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ हार्ट की। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के अपना पहला लेक्चर और देखते हैं ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर क्या है। ये मैंने बेस बोर्ड के ऊपर आपके लिए कुछ थोड़ी सी बेसिक्स जो है वो लिख के रखी है ह्यूमन हार्ट की, और उनको हम थोड़ा थोड़ा जल्दी देख के लिए समझ लेते हैं, और उसके बाद हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो डायग्राम बना के दिखाऊंगा हार्ट की, बहुत सिंपल डायग्राम होगी ताकि बात आपको समझ आए। कॉम्प्लिकेशन में अगर मैं जाऊँगा तो ना आपको बात समझ आएगी और ना मुझे मज़ा आएगा। तो सिंपल रखेंगे चीज़ों को, फिर आप उसको जब डायग्राम से देखेंगे किताब की तो आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। जब हम ह्यूमन हार्ट को देखते हैं तो आपको पता है ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही पावरफुल मस्कुलर पम्पिंग ऑर्गन है। मैंने अपनी मेडिकल की किताबों में पढ़ा था कि हमारा जो हार्ट है ह्यूमन हार्ट, इट कैन पम्प ब्लड अप टू 12 feet अगेंस्ट द ग्रेविटी। यानी अगर हम इसके अगेंस्ट द ग्रेविटी मौका दें, ये ब्लड को उछाले फेंके, तो ये 12 feet तक जो है ब्लड को ऊपर फेंक सकता है। तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत अमेजिंग मशीन है। जब हम इसको देखते हैं तो ये बना होता है कार्डिक मसल्स का। मसल्स आपको पता है गोश्त को कहते हैं, और कार्डिक मसल्स यानी वो गोश्त जो हमारे हार्ट के अंदर मौजूद है। अब चूंकि आपको पता है जो मसल्स होते हैं, गोश्त जो होता है वो रेडिश कलर का होता है, दैट वाई हार्ट अपीयर्स रेडिश इन कलर। जब आप कभी हार्ट को देखेंगे तो ये आपको रेडिश इन कलर नज़र आएगा। अच्छा, जब हम हार्ट को देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो लोगों के जहन में बैठी हुई है वो ये है, वो समझते हैं कि जो दिल होता है वो लेफ़्ट साइड की तरफ होता है, उल्टे हाथ की तरफ होता है सीने में। हालांकि ऐसा नहीं है। जब हम हार्ट को देखते हैं तो हार्ट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। जैसे मार्कर मैंने अपने सेंटर में रखा है चेस्ट के, बिल्कुल इस तरीके से। अब होता क्या है, जब हम हार्ट को देखते हैं तो हार्ट जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी में, फ़र्ज़ करें ये हमारे वर्टिकल एक्सिस हैं और फ़र्ज़ करें ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो हार्ट ना वर्टिकली प्लेस्ड है ना हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी में ऑब्लीकली प्लेस्ड है। यानी ये इस तरह से मौजूद है, इस तरह से, तो इट इज़ ऑब्लीकली प्लेस्ड। तो अगर ये हमारी बॉडी का राइट साइड है और ये हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड है, तो आप देख रहे हैं ये मौजूद सेंटर के अंदर है, बट हमारे हार्ट की जो एपिक्स है, ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये इसका एपिक्स कहलाता है। हार्ट का जो एपिक्स है ये हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो आप देख रहे हैं जो हार्ट है इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड टूवर्ड्स लेफ्ट, ये उल्टे हाथ की तरफ जो है वो डायरेक्ट कर रहा है। अब चूँकि एपिक्स हमारे हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है और हमें सबसे ज़्यादा इसकी पल्स यहाँ उल्टे हाथ की तरफ फील होती है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है जैसे हार्ट जो है बॉडी में लेफ़्ट साइड की तरफ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ट बॉडी के सेंटर में मौजूद है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि जब हम हार्ट को देखेंगे तो एपिक्स इसका मोस्ट पावरफुल पार्ट है एंड इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये उस फीलिंग को जो है जनरेट करता है लोगों के अंदर जो हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड होती बॉडी पे मौजूद है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम हार्ट को देखते हैं तो हार्ट हमारी बॉडी के जो चंद इंपॉर्टेंट तरीन ऑर्गन हैं उनमें से एक है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन का भी जो है वो मुकम्मल बंदोबस्त जो है खुदा ताला ने किया है। तो जब हम देखते हैं तो उसको सामने से प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव आर स्टर्नम। तो हमारी स्टर्नम जो होती है, जिसको हम अपनी ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, वो हमारे सेंटर में मौजूद होती है, और स्टर्नम के साथ यहाँ पर रिब्स मौजूद होती हैं हमारे चेस्ट कैविटी की, जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं इस तरह से। तो हमारे हार्ट की जो पहली प्रोटेक्टिव लेयर है वो उसकी बोनी प्रोटेक्शन है, और मैंने आपको बताया इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो ये स्टर्नम है सेंटर में ये, और जो रिब्स हैं ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उसकी हिफाजत कर रही हैं। दूसरा, जब हम देखते हैं हार्ट को, तो ये जो हमारा हार्ट है
मैंने आपको बताया, मैं अभी कुछ सिंपल सिंपल से डायग्राम बनाऊंगा ताकि चीज़ें आपको समझ आएँ। ये जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट को कवर किया हुआ है एक मेम्ब्रेन ने, और इस मेम्ब्रेन ने चूँकि हार्ट को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, इस मेम्ब्रेन ने चूँकि हार्ट को चारों तरफ से कवर किया हुआ है ये इस तरह से, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। आपने याद रखना है पेरी वर्ड का मतलब होता है अराउंड यानी चारों तरफ, कार्डियम इज लैटिन फॉर हार्ट, इसीलिए जो हार्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो कार्डियक कहलाती हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे कार्डियक अरेस्ट, जैसे कार्डियक इन्फेक्शन, इस तरह से। और मेम्ब्रेन आपको पता है मेम्ब्रेन को बोलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल जो हार्ट है उसके मसल के साथ लगी हुई होती है, और इसके बीच में एक छोटा सा पोटेंशियल स्पेस होता है। यहाँ मैंने आपको इसे समझाने के लिए वो स्पेस थोड़ा बड़ा बनाया है, ये वाला। अब चीज स्पेस ने भी चूँकि हार्ट को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे पेरी कार्डियल स्पेस का। और ये जब आप जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में तो आप देखेंगे ये पेरी कार्डियल स्पेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस पेरी कार्डियल स्पेस के अंदर देर इज़ अ फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज़ कॉल्ड पेरी कार्डियल फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? पेरी कार्डियल फ्लूइड। तो ये पेरी कार्डियल फ्लूइड हो गया। और आपने याद रखना है कि ये जो पेरी कार्डियल फ्लूइड है, ये पेरी कार्डियल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी अगर कोई चोट लगे सीने के ऊपर तो ये शॉक जो है हार्ट तक नहीं पहुँचता, क्योंकि पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है यहाँ पर शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। तो ये हमने हार्ट की थोड़ी सी बात की, उसकी बेसिक्स की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर और हार्ट को अंदर से देखते हैं कि हार्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं इसको। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हार्ट को अंदर से देखते हैं और अंदर को उसको से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखें हार्ट को जब हम अंदर से देखते हैं तो हमें पता लगता है अंदर से जो हार्ट है इज एन होलो ऑर्गन। यानी अगर मैं बोर्ड पर आपके सामने हार्ट बनाने की कोशिश करूँ तो ये हार्ट चूँकि कॉनिकल इन शेप है, कोन की तरह होता है, तो इसका जो एपिक्स होगा वो नीचे की तरफ होगा और जो बेस होगा वो इसका ऊपर की तरफ होगा। तो दिस इज़ द बेस ऑफ हार्ट एंड दिस इज़ द एपिक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये हार्ट के जो अंदर की कैविटी है, आप याद कर लीजिए, इस कैविटी को हम एक पार्टीशन की मदद से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पार्टीशन आप देख रहे हैं। अब इस पार्टीशन की जब मैं देखूंगा तो इस पार्टीशन के ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसको हम नाम दे देंगे एट्रियम का। और ये आप याद कर लीजिए, और ये आपने भूलना नहीं है कि हार्ट के जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एट्रियम, और जो नीचे वाला पार्ट होगा ये वाला, इसको हम नाम दे देंगे वेंट्रिकल का। इसको हम किसका नाम दे देंगे? इसको हम वेंट्रिकल का नाम दे देंगे, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यार ये जो सेप्टम जो एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग कर रहा है इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो बिल्कुल आसान हो गया, अब आप समझ गए। ये देखिए, ये क्या कर रहा है? एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग कर रहा है, तो हम इसका नाम रख देंगे एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। हम इसका नाम क्या रख देंगे? हम इसका नाम रखेंगे एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। सेप्टम बोलते हैं वॉल को, यानी पार्टीशन को, यानी वो पार्टीशन जो एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग कर रहा है। बिल्कुल आसान हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम एक सेप्टम लगा देंगे एट्रिया के दरमियान में इस तरह से, और एक सेप्टम हम लगा देंगे जनाब अली वेंट्रिकल के दरमियान में, और वो आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से। याद रहे, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं ये बिल्कुल सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये चूँकि एट्रियम के दरमियान में है, बिटवीन है, तो बिटवीन के लिए टर्म इस्तेमाल होती है इंटर। एट्रियम के दरमियान में है तो इंटर एट्रियल सेप्टम, और इसका नाम तो अब आपको पता चलिए होगा, बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आपने सही गैस किया, इसका नाम होगा इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। शाबाश। तो पता ये चला कि तीन सेप्टा हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को चार चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो कौन कौन से हो गए? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ये नंबर वन। तो ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा, डिवाइड एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल। तो ये एट्रिया को वेंट्रिकल से डिवाइड करेगा, बिल्कुल आसान हो गया। और जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये नंबर दो, ये राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को अलग करेगा, और नंबर तीन हमारे पास हो गया इंटर एट्रियल सेप्टम, ये रहा। तो ये हमारे राइट और लेफ्ट
एट्रिया को अलग करेगा। तो इस तरह से तीन सेप्टम जो है वो चार चैम्बर्स में हार्ट को डिवाइड कर देंगे। अब आपने याद रखना है कि एट्रियम रिसीव करते हैं ब्लड को, तो दे रिसीव्स ब्लड। और आपने याद रखना है कि जो वेंट्रिकल्स हैं ये पंप करते हैं ब्लड को, दे पंप्स ब्लड। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो आपने याद रखनी है और बहुत अच्छे से याद रखनी है वो क्या, कि हमारा जो हार्ट है वो एक पंप नहीं है, वो दो पंप है। एक हार्ट का राइट साइड है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, और एक हमारे हार्ट का लेफ्ट पंप है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये हार्ट का लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। याद रहे, हार्ट का जो राइट साइड है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है, कंटेन करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट साइड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है, पंप करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम ज़रा देखते हैं कि ब्लड हार्ट के अंदर किस तरह से फ्लो कर रहा है, तो आइए थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स को देख लिया है, हमने हार्ट की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर कैसे फ्लो करता है, ठीक है। अब उसके लिए आपने वही दो फैक्ट्स याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फैक्ट नंबर वन कि एट्रियम ब्लड रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल ब्लड पंप करते हैं। फैक्ट नंबर टू, राइट साइड ऑफ द हार्ट पे डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर ये दो बातें आप याद रखेंगे तो आपको हार्ट की सर्कुलेशन समझना बहुत आसान हो जाएगी। अब मैंने आपके सामने ये बोर्ड पे दो सिंप्लीफाइड हार्ट बना रखे हैं। अब होता है कि अब याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, एट्रियम ब्लड रिसीव करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं राइट साइड पे सर्कुलेशन, फिर हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे सर्कुलेशन। दोनों को मिला के बनाऊंगा तो वो बहुत आपस में इंटरमिंगल हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो बड़ी बड़ी वेसल्स हैं, और याद कर लीजिए आप कि जो ब्लड वेसल्स हार्ट के पास होती हैं दे आर दी लार्जेस्ट वेसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये जो वेसल बनाई है इसकी पोजीशन थोड़ी सी मैंने टेक्निकली एनाटॉमिकली गलत बनाई है, मगर आपको समझाना है तो ये चलेगा। अब देखिए, ये दोनों हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स हैं, और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स को हम कहते हैं वेना केवा। अब ये चूँकि ऊपर है ये वाली, तो इसको हम कह देंगे सुपीरियर वेना केवा, तो ये सुपीरियर वेना केवा है, और ये जो नीचे वाली है इसको हम कह देंगे इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अब जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा है, हम क्या करते हैं अपने हार्ट पे अगर एक लेवल ऐसे लगा लें तो इस लेवल से ऊपर से जो ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना केवा से आएगा, और जो नीचे से आएगा वो इन्फीरियर वेना केवा से आएगा। अब ये सारा का सारा जो ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप याद कर लीजिए कि ब्लू कलर से शो करते हैं मेडिकल ड्राइंग्स के अंदर, ये सारा का सारा ब्लड फ्लो करता हुआ कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में। हम राइट साइड की बात कर रहे हैं ना, अब ये राइट एट्रियम के अंदर आ गया। अब आपको पता है कि राइट एट्रियम ने इस ब्लड को रख के तो नहीं बैठना ना, उसने ऐसे कुछ करना है, तो वो क्या करेगा इस ओपनिंग के ज़रिए, और याद कर लीजिए इस ओपनिंग का नाम बच्चे इतना गलत लेते हैं। देखिए ये ओपनिंग है, और कहाँ पर ओपनिंग है, ये ओपनिंग है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। तो इस ओपनिंग को हम नाम दे देंगे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, और इसको कभी कभी राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर या ऑरिफिस भी कहते हैं। अब पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले क्या करते हैं, इसको ट्राइक स्पिड वेल्व कह देते हैं, जो कि गलत है। ट्राइक स्पिड वेल्व इसको प्रोटेक्ट करता है, ओपनिंग नहीं होता, ओपनिंग तो ओपनिंग होती है। अब ये जो ब्लड है हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जनाब अली फ्लो करता हुआ इस राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग से फ्लो करता हुआ आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से हमारी एक वेसल निकलेगी, और उस वेसल को मैं बना देता हूँ ग्रीन कलर से, हालांकि मुझे उसको ब्लू कलर से बनाना चाहिए, मगर आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ इसको ग्रीन कलर से। और ये मैं इसको पीछे क्यों बना रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, जी हाँ, ये हार्ट के पीछे की तरफ होती है, और इस तरह से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। नाउ दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था जब हम ब्लड वेसल पढ़ रहे थे कि पल्मोनरी आर्टरी इज़ एन आर्टरी विच कंटेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। तो ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। अब ये जो ब्लड है ये फ्लो करता हुआ आएगा घूमता हुआ, और घूमता हुआ चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फिर ये राइट लंग में और लेफ्ट लंग में चला जाएगा। और आपको पता है ये लंग्स के अंदर क्यों गया है, क्योंकि इसने वहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो ये हमारी सर्कुलेशन हो गई, फ्लो हो गया राइट साइड ऑफ द हार्ट पे, ठीक है। उस पर लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे हमारे
लंग से चार पल्मोनरी वेन होती हैं, मैं यहाँ पर सिंबॉलिकली सिर्फ दो बना लेता हूँ, होंगी ये चार, आप याद रखिएगा। तो ये चार पल्मोनरी वेन हैं, और देखें याद कीजिए, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको हम रेड कलर से शो कर रहे हैं। ये ब्लड फ्लो करता हुआ जो कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है, ये आ गया हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंटिकल के बीच में जो ओपनिंग है, अब आपको पता है उसका नाम क्या होगा, शाबाश, उसका नाम होगा लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर ओपनिंग। तो लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर ओपनिंग, और इस लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर ओपनिंग को गार्ड करता है बाइकस्पिड या माइट्रल वेल्व, ठीक है। ये ब्लड इस लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर ओपनिंग से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंटिकल में, और यहाँ लेफ्ट वेंटिकल से हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी अराइज होती है। और ये जो सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी की है, आपको पता है, इसको हम नाम देते हैं एओर्टा का, और ये एओर्टा फिर जो है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पूरी बॉडी को जो है वो सप्लाई कर देती है, इस तरह से ये पूरी बॉडी को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एओर्टा सप्लाई कर देगी। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर फ्लो करेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो राइट साइड वाला पंप है, ये राइट साइड वाला जो पंप है, इट्स अ पंप फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो लेफ्ट साइड वाला पंप है, इट इज़ पंप फॉर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। वो जो हमने डबल सर्किट की बात की थी, ये वही आपके सामने यहाँ पर बात आ गई। तो सिंगल सर्किट प्लान और डबल सर्किट प्लान, तो ये आपने देखा और आपको समझ आया। अब हम चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं हार्ट के वेल्व्स की और हार्ट की साउंड्स की, कि वो साउंड्स कैसे जनरेट होती हैं, और उसके बाद हम इस आज के अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिस्टोल की और डायस्टोल की, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे किसकी, उसके साथ साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ हार्ट की। तो आइए देखते हैं हम के इसमें कौन कौन से वेल्व कहाँ कहाँ होते हैं और वो कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे हार्ट के वेल्व्स की और हार्ट के साउंड की। तो मैंने आपके सामने बोर्ड पे एक छोटा डिस्क्रिप्शन लिख लिया, अब हम इसकी डायग्राम जो है ड्रॉ करके इसको देखते हैं। तो जब हम हार्ट को देखते हैं, तो हार्ट के जो वेल्व्स हैं, दे आर टू ग्रुप्स ऑफ वेल्व्स इन हार्ट। जो पहला ग्रुप है इस कॉल्ड ए वी वेल्व्स, और आप समझ रहे हो कि ए इज़ फॉर एट्रिया एंड वी इज़ फॉर वेंट्रिकल। तो द वेल्व विच आर प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एंड नंबर टू इज सेमी ल्यूनर वेल्व्स, जो कि हमारी जो वेसल्स ऑफ हार्ट हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा देखिए, अगर मैं दोबारा हार्ट का एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ इस तरीके से मैंने हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ये इंटर एट्रियल सेप्टम हो गया, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ठीक है। जब हम देखते हैं तो ये हमारी राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग है, ये रही, और ये हमारी लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग है, ठीक है। अब होता क्या है, होता यह है कि इसमें से मैं एक बना लेता हूँ तो दूसरा बिल्कुल वैसे ही आपको समझ आ जाएगा। चले, मैं यहाँ से पल्मोनरी जो है वो आर्टरी को जो है वो अराइज करता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी को हम यहाँ से ओरिजिनेट करवा लेते हैं, ताकि हमें बात समझ आए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ध्यान से समझनी बात है। अब होगा क्या, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता हुआ एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, तो हमें पता है वेंट्रिकल क्या करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर की वजह से ये ब्लड वापस यहाँ से घूम के कुछ तो यहाँ चला जाता है, और कुछ ब्लड क्या करता है, कुछ ब्लड कोशिश करता है कि मैं इसको घूम के टर्न करके वापस जो है वो एट्रियम में चला जाऊँ, ठीक है। अब आप बात समझ रहे हैं कि अगर ये एट्रियम में वापस चला गया तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, अल्लाह ताला ने इस राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग को भी एक वेल्व दिया है और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग को भी एक वेल्व दिया है, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि जब राइट साइड पे ऐसा हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी ऐसा ही होता होगा, ठीक है। तो ये वेल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होते हैं, इनको हम नाम देते हैं ए वी वेल्व्स का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को एट्रिया में, तो ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन एट्रिया, और वो राइट एट्रियम भी हो गया और लेफ्ट एट्रियम भी हो गया, दोनों हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं ट्राई कस्पिड वेल्व, और इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड या माइट्रल वेल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वेल्व, ठीक।
अब इसको ट्रैक स्पीड वेल्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन देखूंगा तो मुझे इसमें तीन कस्प नज़र आएंगे इस तरह से, तो 1, 2 एंड 3, तो ट्राई इज़ फॉर 3, कस्प इज़ फॉर कर्टेन यानी पर्दे के, तो तीन पर्दों वाला वेल्व है। और जब मैं इसको देखूंगा बैक स्पीड वेल्व को ट्रांसफर सेक्शन में, तो ये मुझे इस तरह से नज़र आएगा, एक इसमें कस्प ये होगा और दूसरा ये होगा। तो ट्राई स्पीड एंड बैक स्पीड वेल्व, जब भी ट्राई स्पीड और बैक स्पीड वेल्व बंद होते हैं तो हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होती है। तो व्हेन क्लोज्ड, तो व्हेन ए वी वेल्व्स क्लोज्ड दे प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि होती है डप, ठीक है, तो लप टप इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो ए वी वेल्व होगा। अच्छा, पल्मोनरी वेल्व और वो कैसे काम करते हैं ज़रा उसको समझ लेते हैं। अच्छा, इस यहाँ मैं लिख लेता हूँ ताकि हमारी वो वाली डायग्राम जो है वो हमें ना मिटानी पड़े। अच्छा, अब देखिए, अब दूसरा क्या होता है कि जिस वक्त तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तब तक तो वेंट्रिकल्स के अंदर बड़ा प्रेशर है और वो ब्लड को फेंकते चले जा रहे हैं। मगर उसके बाद क्या होता है, ये मैं एक और डायग्राम मैंने बना लिया हार्ट का, और अब मैं एओर्टा बना लेता हूँ ताकि हमें ये चीज़ समझने में आसानी हो। ये हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ये इंटरएट्रियल सेप्टम और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये हमारी राइट एवी ओपनिंग हो गई, ये हमारी लेफ्ट एवी ओपनिंग हो गई, ये ब्लड जनाब फ्लो करता हुआ आ गया है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से चला गया है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। अब यहाँ से हमारी अराइज हो रही है एओर्टा, ठीक। ये मैं एओर्टा को यहाँ से मैं अराइज कर लेता हूँ इस तरह से, ये एओर्टा यहाँ से अराइज हो रही है, ये एओर्टा अराइज हो गई, ओके। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगेन, तो ये ब्लड क्या करेगा, ये ब्लड पंप हो जाएगा, और पंप होकर कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में और राइट साइड है पल्मोनरी आर्टरी में। अब आपको ये बात पता है कि ये वापस एट्रियम में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व काम कर रहे हैं। ये प्रेशर से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एओर्टा में चला जाएगा। बट मेन टाइम जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब तो प्रेशर बहुत है, बट जब वो रिलैक्स करेगा, और वो रिलैक्स क्यों करेगा, क्योंकि उसने ब्लड लेना है, तो जैसे ही वो रिलैक्स करेगा वैसे ही इसका प्रेशर जो है वो ड्रॉप होगा, और जैसे ही इसका प्रेशर ड्रॉप होगा ये ब्लड कोशिश करेगा कि मैं वापस कहाँ चला जाऊँ, वेंट्रिकल के अंदर। अब आप समझ रहे हैं कि अगर ये ब्लड राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, पल्मोनरी आर्टरी से और एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में आ गया, तो उसके पंप करने का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एओर्टा में एओर्टिक वेल्व, ये एओर्टिक वेल्व मैंने बना लिया, ये रहा, और पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वेल्व लगा रखे हैं। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में भी इस जगह पर पल्मोनरी वेल्व हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए कि जो हमारे सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ये जब बंद होते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस सेकेंड हार्ट साउंड विच इज लप, तो लप टप इस तरीके से आपको जो है वो उसकी आवाज़ आती है, ठीक है बेटा। तो ये आज हमने बात की काफ़ी सारी चीज़ों की, और साथ साथ मैं आपको बात बता दूं कि हमें हार्ट साउंड सुनने के लिए आपको पता है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, और पूरी दुनिया में जो स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर्स की सिंबल है। जिस शख्स के गले में आप स्टेथोस्कोप देखते हो आप समझ जाते हो कि वो डॉक्टर है, ऐसे है या नहीं, भले उसने शौक में किसी ने डाल लिया हो, मगर हमें एक डाउट तो होता नहीं कि अरे डॉक्टर। तो अब इस तरीके से आप जो है वो इसके साउंड को स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर इन वेल्व के फंक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो हार्ट का जो साउंड है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आने लग जाएगी। इसलिए आपने देखा है कि वो जो बहुत एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टेथ को चेस्ट के ऊपर रखते हैं, सीने पर रखते हैं, और सीने पर रख के सुन के बता देते हैं कि कोई वेल्वुलर प्रॉब्लम होती है, हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है। और आप बताएं, एबनॉर्मल हार्ट साउंड को मर्मर कहते हैं, कार्डिक मर्मर या हिसिंग साउंड भी कहते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर में मैंने आपसे बात की हार्ट की ओवरऑल प्लेसमेंट की, हार्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चर की, हार्ट के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, हमने देखा कि ब्लड हार्ट के अंदर कैसे फ्लो करता है, वेल्व कैसे काम करते हैं। तो आज मैं इसके लेक्चर में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हार्ट की जमा कर ली। अब जो अगला लेक्चर मैं आपके साथ करूँगा उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे हार्ट की कार्डिक साइकिल की। कार्डिक साइकिल वैसे हमने तकरीबन समझ ली, मगर उसको हम सिर्फ नाम उसके याद करेंगे, और साथ में मैं आपसे बात करूँगा हार्ट के इलेक्ट्रिकल सर्किट की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।